सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर में आम सड़कों की खस्ता हालत के चलते आए दिन हमारे चैनल के माध्यम से खबरें आती ही रहती हैं, लेकिन 11 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का दौरा उल्लासनगर में होने की वजह से किस तरह से आम सड़कों का दुरुस्तीकरण किया जा रहा है, ये नज़ारे भी हमने अपनी कैमरा में कैद किए हैं, देखते हैं। विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में जो है कई रैलियां की जा रही है, और आज आप ये पीछे तैयारी देख सकते हैं, जो तैयारी की जा रही है ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है आज यहां पर आने वाले हैं सभा को संबोधित करने के लिए। जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, तो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से इलेक्शन के पहले भी आपको बताया, इलेक्शन के दौरान भी आपको बताया कि किस तरीके से जो कि विकास है वो रास्तों से उड़ के लोगों के चेहरे पर आ रहा है। रास्तों की खराब हालतों के कारण जो है दिक्कतें लोगों को हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों ने जाने गंवाई है। लेकिन आज जब ये चुनाव के चलते, विधानसभा चुनाव के चलते जो कि सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया, और यहाँ पर आकर जो है देवेंद्र जी सभी से ये कहेंगे कि किस तरीके का विकास होगा और विकास को किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन जो एक नज़ारा यहाँ पे देखने को ये मिला वो ये था कि जिस तरीके से लंबे समय से जो कि शहर की जनता परेशान थी, शहर के रास्तों के गड्ढों को लेकर, शहर के रास्तों की परेशानियों को लेकर जाने गंवा रही थी, दुर्घटनाओं से जो कि रोज़ उनकी हालतें ख़राब हो रही थी, तो ऐसे में जब आज यहाँ पर जो कि सभा रखी गई है, तो आपने देखा होगा कि शहर के कई इलाकों में जो है रास्तों को गड्ढे भरने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बहरहाल नज़ारा कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब हीरो की एंट्री होती है तो सब कुछ ठीक कर दिया जाता है, लेकिन ये जो है सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था को आप चला रहे हैं ये जनता के पैसे हैं, और जनता के पैसे जनता के उपयोग के लिए खर्च करने चाहिए। जिस तरीके से जो कि जनता को तकलीफें हुई इतने समय से, उस समय आपको ये खर्चा करना चाहिए था, लेकिन आपने जो खर्चा किया है ये स्वागत के लिए किया है, ये बताने के लिए किया है कि शहर की परिस्थिति सही है। और जो खर्चा यहाँ पर किया गया, हम आपको बताएं कि कम खर्चा नहीं किया गया, करोड़ों में जो है यहाँ पर खर्चा किया गया, क्योंकि कई पॉट होल को यहाँ पर भरा गया जो कि काफ़ी लंबे समय से दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना पड़ा था। तो बहरहाल सभा के मौके पर शहर के लोगों को राहत मिली है। अब तो नागरिकों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई अगर शहर में मुख्यमंत्री के आने से विकास होता है तो मुख्यमंत्री यहां पर रोज आए और यहां पर आते रहे, दौरे करते रहे, ताकि शहर में विकास होता रहे। बहरहाल अब देखना यह है कि सभा के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव का माहौल शहर में चल रहा है ये वाकई में ही लोगों के लिए एक विचार का कारण है कि आखिरकार चुन के कौन आएगा और आखिरकार शहर में विकास हो पाएगा या नहीं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी।